तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं उर्दू का सेट फोर। आप सभी को पता होगा कि झारखंड बोर्ड ने उर्दू का 5 मॉडल सेट जारी किया है। इससे पहले मैंने 3 सेट सॉल्व करा दिया है, ये चौथा सेट है। अगर आपको अभी तक कोई सेट नहीं मिला है तो आप मेरे YouTube चैनल झारखंड स्टडी सेंटर पर जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ आपको तीनों सेट मिल जाएगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सेट फोर का, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला है अफसाना फोटोग्राफर के मुसन्निफ कौन है। आपने अफसाना फोटोग्राफर ज़रूर पढ़ा होगा, ये कुरातुल ऐन हैदर ने लिखी है इस अफसाने को। तो अफसाना फोटोग्राफर के मुसन्निफ कुरातुल ऐन हैदर है। पितरस बुखारी का असल नाम क्या है? तो पितरस बुखारी का असल नाम सैयद अहमद शाह है। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है क्या कहलाता है? आपने गज़ल का मुताला किया होगा, उसमें आपको मतला, मक्ता, रदीफ, काफिया ये सब पढ़े होंगे उसमें। तो इसमें पूछ रहा है कि आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है, यानी वो अपना नाम पेश करता है जिससे वह शायरी लिखता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम मक्ता कहते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, नासिर काजमी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो नासिर काजमी की पैदाइश अम्बाला में हुई थी। अम्बाला कहाँ है? ये पंजाब में है। अल्लामा इकबाल की पहली मजमूए नज़्म कौन सी है? तो इसका सही जवाब है असरारे खुदी। और इसके अलावा अल्लामा इकबाल की 3 मजमूए कलाम है, जिसमें बांगे दरा, बाले जिब्रिल और ज़र्ब कलीम शामिल है। तो इसे भी आप लोग याद रखिए, इम्तिहान में इससे भी मुतालिक सवाल आते हैं। ड्रामा यहूदी की लड़की के खालिक कौन है? तो इसका सही जवाब है आगा हश्र काश्मीरी। इन्होंने ही यहूदी की लड़की तहरीर की है, जो एक ड्रामा है। नज़्म के लगवी माना क्या होते हैं? तो इसका जवाब है नज़्म अरबी जबान का लफ्ज़ है। लुगत में इसके माने लड़ी में मोती पिरोना। इसके दूसरे माने हैं इंतज़ाम, तरतीब, आराइश। अफसाना फोटोग्राफर में ज़िंदगी की किस हकीकत को बयान किया गया है? अफसाना में ज़िंदगी की इस हकीकत को बयान किया गया है कि ज़िंदगी फना है, कायनात में फना का तसलसल जारी है, और ज़िंदगी ज़िंदगी की रंगारंगी और इस आलमे रंगो बू पर हर वक्त फना का साया मंडलाता रहता है। अगरचे हर इंसान इस बात से वाकिफ होता है कि मौत बरहक है, लेकिन इसके बावजूद ज़िंदगी की छोटी छोटी मसर्रतों से भागता नहीं। ज़िंदगी जो धूप छाँव उरूज जवाल के बावजूद पुरकशिश और हसीन है। रदीफ किसे कहते हैं? मैं मिसाल लिखें तो वैसे अल्फाज जो किसी शेर के आखिरी आखिर में बार बार इस्तेमाल होते हैं, उन्हें रदीफ कहते हैं। मसलन इसमें आपको ये मिसाल दी गई है, इसे आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे है, मुफलिसी सब बाहर खोती है, मर्द का एतबार खोती है। इन दोनों मिसरों में खोती है आखिरी में इस्तेमाल हुआ है, तो ये बार बार इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे हम लोग रदीफ कहते हैं। और बाहर और एतबार ये दोनों क्या है? ये दोनों काफिया है। फोर्ट विलियम कॉलेज के 5 अदीब और उनकी तसानीफ का नाम लिखें। तो इसका जवाब हम लोग लिखेंगे मीर अमन
میر امن پہلا ادیب ہے، اس کے ان کی تصنیف ہے باغ و بہار، سید حیدر بخش حیدری، گلزار دانش۔ پھر تیسرا ہے شیر علی افسوسی، باغ اردو۔ پھر چوتھا ہے مرزا علی لطف، تذکرہ گلشن ہند۔ پھر پانچواں ہے مرزا کاظم علی جوان، دستور ہند۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ سر سید احمد خاں کے رفقا میں کون کون شامل تھے؟ رفقا کہتے ہیں رفیق کی جمع کو، رفیق یعنی دوست احباب۔ الطاف حسین حالی، نذیر احمد، مولانا شبلی نعمانی، محمد حسین آزاد سر سید احمد خاں کے رفقا تھے۔ گل رنگ دریچوں سے کیا مراد ہے؟ تو گل رنگ دریچوں سے کیا مراد ہے، اس کا جواب ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ گل رنگ دریچوں سے مراد ہے کھلتے ہوئے زخم، شاعر نے کھلتے ہوئے زخموں کو گل رنگ دریچے سے تشبیہ دی ہے۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ ڈرامہ یہودی کی لڑکی کا اہم کردار حنہ کے بارے میں لکھیں۔ حنہ یہودی لڑکی ہے اور اس کے والد کا نام عزرا ہے۔ حنہ کو ایک نوجوان لڑکے مارکس سے محبت ہو جاتی ہے۔ دونوں شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن حنہ کا باپ وہاں آ جاتا ہے اور مارکس سے اپنا مذہب تبدیل کرنے کے لیے کہتا ہے، لیکن وہ انکار کر دیتا ہے اور شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے خورشید الاسلام کے تنقیدی مضمون امراؤ جان ادا کا تنقیدی جائزہ لیجئے۔ تو اس کا ہم لوگ جواب لکھیں گے، خورشید الاسلام نے گنتی کے چند مضامین لکھے ہیں، یعنی بہت کم مضامین لکھے ہیں جو ان کی کتاب تنقیدیں۔ تنقیدیں میں شامل ہے، اور اس کتاب کا سب سے اچھا مضمون ہے امراؤ جان ادا۔ انہوں نے اپنے اس مضمون میں ناول کے دو اقتباسات پیش کیے ہیں، جس سے مضمون میں استدلال کا رنگ پیدا ہو گیا ہے، اور یہی چیز ان کی تنقید کو وزن و وقار عطا کرتی ہے۔ مضمون کی ابتدا میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آج تک اس ناول کو محض تفریحی کی نظر سے پڑھا گیا ہے، جس کے نتیجے میں اس ناول کے قابل قدر پہلو نظروں سے اوجھل ہی رہے ہیں۔ ان کے نزدیک ناول کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس کے موضوع کا یقین کیا جائے، کیونکہ ان کے مطابق ہر موضوع کے اپنے امکانات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد خورشید الاسلام نے ناول نگاری کے ذمہ داریوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ موضوع کے امکانات کو، تقاضوں کو پورا کرے اور فطرت کی ان لہروں کو بہتا ہوا دکھائے جو واقعات اور کرداروں کی ساخت پرداخت کرتی ہے۔ اقبال مجید کی سوانح حیات اور ان کی ادبی کارناموں کا جائزہ لیجئے۔ اقبال مجید ضلع سیتاپور اتر پردیش میں پیدا ہوئے، ایم اے لکھنؤ یونیورسٹی سے کیا۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد کچھ عرصے تک اسکول میں پڑھاتے رہے، اس کے بعد آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہو گئے۔ ملازمت کے دوران انہیں کئی شہروں میں رہنا پڑا، مالوہ کی پرفضا زمین بھوپال ان کی ملازمت کا آخری پڑاؤ تھا، جہاں وہ اسسٹنٹ اسٹیشن ڈائریکٹر کے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ اقبال مجید عہدے جدید
के एक नामवर अफसाना निगार थे। अहदे जदीद मतलब मॉडर्न एज, आधुनिक काल। उन्होंने आला दर्जे के ड्रामे भी लिखे हैं, नमक और किसी दिन उनके दो नावेल हैं। इकबाल मजीद ने नए तर्ज की कई अफसाने भी लिखे हैं, जिनमें आज के इंसान की दाखली और रूहानी उलझनों को मौजू बताया गया है। अब हम लोग चलते हैं इसका आखिरी सवाल पे। उर्दू ज़बान के आगाज़ो इर्तिका से मुतालिक अपनी वाकफियत का इजहार करें। उर्दू की इब्तदा के बारे में उर्दू की इब्तदा के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए गए हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ब्रिज भाषा इसकी माँ करार दे डाला है। हाफिज़ मोहम्मद शेरानी इसे पंजाबी की बेटी करार देते हैं। सैयद सुलेमान नदवी इसकी जाय पैदाइश सिंध को करार देते हैं। नसीरुद्दीन हाशमी दक्कन से इसकी इब्तदा बताते हैं। मसूद खां दिल्ली के अतराफ को इसकी जाय पैदाइश करार देते हैं, और यही नज़रिया ज़्यादा काबिल कबूल पाया है। बहरहाल इतना तय है कि उर्दू की इब्तदा मुसलमानों की आमद ही के साथ हुई। हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमतों के क़याम के साथ साथ हिंदू और मुसलमानों में मिलाप और मोहब्बत का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने एक नई ज़बान के बनने में मदद दी। नई बोलियों को बाकायदा ज़बान बनने में काफ़ी तवील फासला करना पड़ा। मुख्तलिफ इलाक़ों में ये मुख्तलिफ नामों से पुकारी गई। इसे हिंदू, दक्कनी, गुजराती और उर्दू मोल्ला के नाम दिए गए। तो आपका सेट 4 कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि मैं सेट 5 जल्दी आपके पास वीडियो बना के डाल दूं, तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसमें वीडियो में बनने में देरी भी हो सकती है। और जाते जाते मैं आप लोगों को एक सवाल दे देता हूँ, अगर आपको उसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी वीडियो बनाने का मन करता रहे। तो आप लोग को मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसलिए बना के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अल्लामा इकबाल की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो आपको इसका आंसर देना है, अल्लामा इकबाल की पैदाइश कहाँ हुई थी? ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।